इट इज हॉट, गर्म है भाई, गर्म है। शकरगंदी, शकरगंदी, शकरगंदी। ये लड़की भी गर्म है और ये भी नट्स भी गर्म है। 2200 रुपए का एक किलो, कम ऑन। आलू, आलू, यू आर लाइक आलू। 800 रुपए के एक किलो बनानास। हमारे मसाले, हमारे मसालों के फैन है, बट रेट काफ़ी ज़्यादा है यार, इतनी महंगी महंगी चीज़ें। आलू 1 यूरो, चीज़ें बहुत महंगी हैं। गाजर भी 120 रुपए किलो, भांति-भांति के ड्राई फ्रूट। आलू, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे। तो फुंचाल की गलियों में हम लोग घूम रहे थे, दोनों मिलेना और तरुण, मिलेना एंड सोल रोवर वर वॉकिंग इन द ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ फुंचाल सिटी सेंटर। एंड यहाँ पे इसको ये चीज़ दिख गई, कोई नट्स हैं किसी तरीके के, और इसको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि मुझे नट्स ट्राई करने हैं। यू वांट टू ट्राई दी नट्स? यस, आई नेवर ट्राइड इट। दे आर कॉल्ड क्विंटस एंड बोएस। वेट, क्विंटस, किंग शीज बोएस, व्हिच यू फील इज नॉट द नेम, इट्स जस्ट अ एडजेक्टिव, इट्स लाइक हॉट एंड गुड। व्हाट इट मींस? हॉट एंड गुड, यस। सो लेट्स ट्राई इफ इट इज हॉट एंड गुड। Castanha do castanheiro. Quanto custa uma porção? 2 euros e meio. Já vou tirar. Quem tenha? Where it is? Yeah, we can try. Yeah. 2 euro की आइटम है, कुछ टाइप के नट्स हैं, आई डोंट नो। Did he told you that which type? What are these nuts called? Yeah, but I don't know. Huh? Yeah, but I don't know. But you don't know. I don't know what it is. But इसको ये इसमें fry करते हैं और उसके बाद we can eat it. ठीक है? Dos hoga de. Yeah, 2 euros. Dos. No, doce ou salgada? A castanha. É doce. Doce. Mas é do paladar da árvore, do fruto. É avelã? Nesta que é açúcar. जितना मुझे समझ आया, अब ये पूछ रही है कि ये मीठे हैं या फिर ये सॉल्टी हैं, क्योंकि दोसे होता है स्वीट और सलगादा होता है सॉल्टी। यू आर आस्किंग इफ दे आर लाइक स्वीट और सॉल्टी, एंड व्हाट डिड ही से? ही सेड दैट इट्स स्वीट एंड द नट इज स्वीट। ओह, बट देयर आई कैन सी इट्स द सॉल्ट, बेब। सो मेबी इट्स लाइक स्वीट एंड सॉल्टी। लेट्स ट्राई दिस। तो यहाँ पे 12 पीसेस मिलते हैं, इसके लिखा हुआ है 12 पीसेस 2 यूरो, 16 पीस 2.5 यूरो। बट काफ़ी फेमस चीज़ है यहाँ पे, हमने देखा कि ज़्यादातर लोग जो भी लोकल लोग घूम रहे थे ये ज़रूर खा रहे थे। वही देखो, ऊपर नमक डाल रही है। यू आर अ सॉल्टी गर्ल, दैट्स व्हाई यू आर विद अ सॉल्टी, दैट्स व्हाई विद यू आर विद, इज इट हॉट? इट इज हॉट, गर्म है भाई, गर्म है। ये लड़की भी गर्म है और ये भी नट्स भी गर्म है। ओए ओए, I don't know how to eat this. Eat it. I don't know, it is hot. Okay. बाकी ये मडेरा का सिटी सेंटर, फुंचाल का सिटी सेंटर, यहाँ पे खाते हुए ये नट्स, लड़की और मैं। They are selling it everywhere. See, there as well and there as well. I think it is like very popular thing to eat. Restaurant? No. Why? See, people are waiting. Now it's red light. Stop. I have no idea how this thing stays. You were so excited to eat it. Now you don't know how to eat it. Can I help you? No. Give me this thing. It is hot. It is good. Yeah. Do you know it tastes like sweet potato? It does. Yeah. It tastes like sweet potatoes. जैसे अपनी babe, जैसे अपनी वो नहीं होती शकरगंदी होती है, बिल्कुल वैसा taste आ रहा है। You know what we call sweet potatoes in India? How? शकरगंदी. 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 Shakar is like sweet, but Gandhi is like bad. Bad? Bad sweet. Bad sweet. But potatoes in India are batatas. Like in some part we call it batatas and in some part we call aloo. Mm-hmm. See?
Alu. Alu? You are like Alu. Alu. आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे. Are you rhyming? It's a poem. Yeah, it's a rhyme. Why this looks so good? See? This looks so good. मेरा तो ऐसा सड़ा हुआ लग रहा है, इस मैडम का इतना सुंदर लग रहा है. क्या रीजन है? What is the reason behind it? Oh, we need to peel it like this. Yeah. Can I eat this one? Yeah. Thank you. मुझे अच्छा लगा, लेकिन महंगा बहुत है भाई. It's not the best nut that I ever tried. दो यूरो का ये नट. तो अभी वो नट्स खा के निकले, काफ़ी सही लगे, शकरकंदी के टेस्ट वाले थे. और उसके बाद हमारा मन हुआ एक यहाँ पे मर्कादो दो लेवरा दोरिस नाम की एक जगह है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है कि मार्केट ऑफ वर्किंग पीपल. आई डोंट नो इसका मतलब असली में क्या है, क्योंकि मे बी इंग्लिश ट्रांसलेशन में कई बार रॉन्ग हो जाता है. वो पीछे की तो वो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होगे, वो येलो कलर की जो ओल्ड पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है उस पर लिखा हुआ है मर्कादो दो लेवरा दोरिस. तो अभी मिले ना और मैं उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. लोकल फार्म जहाँ मैं जितना मैंने फ़ोटोज़ में देखा, वहाँ पे जो यहाँ के फार्मर्स हैं, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स होगी और लोकल फूड हो गया, उनकी मार्केट है. तो जाके ज़रा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हैं मडेरा पोर्टुगल. काफ़ी ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी हुई ये बिल्डिंग है, नाम है मर्कादो दोस लेवरादोस. लिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या माजरा है. काफ़ी फैंसी टाइप की मार्केट लग रही है. बूढ़े बूढ़े लोग भी घूम रहे हैं भाई. Ooh, this looks beautiful. Yeah. Yeah, let's go in there. जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फूल पत्ते इस टाइप की चीज़ें होंगी, और उस साइड पे वेजिटेबल फ्रूट्स दिख रहे हैं. क्योंकि हर टाइप की चीज़ें हैं यार यहाँ पे. ये देखो सोवेनियर मडेरा लोजा यहाँ पे बोलते हैं पोर्टुगीज़ में दुकान को. तो ये एक सोवेनियर की शॉप है. कोई मडेरा घूमने आता है, पोर्टुगल घूमने आता है, और कुछ इस टाइप की फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह की चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो वो सब अवेलेबल है यहाँ पे. और मडेरा की वाइन बहुत फेमस है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग एज अ सोवेनियर वाइन ले जाना पसंद करते हैं. बाकी अलग अलग टाइप की आइटम्स हैं, बैग्स वगैरह हैं जिन पर मडेरा लिखा हुआ है. कुछ इस टाइप की टोपी वगैरह होगी. दीज आर ऑल द सोवेनियर्स. Ooh, lots of t-shirts and things. And these are the beautiful, I think ये मडेरा की beautiful caps हैं. मैंने कुछ लोगों को देखा था जो ऐसी caps डाल के घूम रहे थे. I think these are the caps, traditional caps of Madeira. You wanna wear one of these? You look pretty. I don't think this is traditional for Madeira. These are, I saw some people wearing these caps. Yeah? Yeah. मैं देखा था, इसने नहीं देखा. Ooh, wow. कुछ रेड चिली पेपर के गाने. रेड चिली पेपर, येलो चिली पेपर, और यहाँ पे कुछ है ऑरेंज चिली पेपर. भाई भांति भांति के चिली पेपर्स हैं जो आज तक मैंने भी नहीं देखे थे. इंडिया से हूँ लेकिन इतने टाइप के चिली पेपर्स तो मैंने भी नहीं देखे थे. सूखी हुई मिर्ची भी है. काफ़ी कमाल की तरीके की चीज़ें हैं भाई. I think these are the same nuts which we ate. Yeah, and I think this is hazelnut, abilo. I think so. They look like hazelnut. ये hazelnut type लग रहा है. बाकी सब्जियों के रेट देखोगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा हैं. ये देखो ये 1.68 यूरो के आलू हैं. मतलब हो गया हमारा 130 रुपये के आसपास, 130 रुपये किलो आलू. चीज़ों के रेट बहुत महंगे हैं. प्याज का रेट बताऊँगा आपको. प्याज का रेट है 1.40 यूरो. ये भी हो गए लगभग 110 रुपये, 120 रुपये के आसपास प्याज. चीज़ों के रेट बहुत महंगे. ये यहाँ पे कुछ डिफरेंट How do you call it? Pitaya? Is it dragon fruit? Oh yeah, ये dragon fruit.
ड्रैगन फ्रूट को यहाँ बोलते हैं पिटाया, और इसका रेट देखोगे तो इसका रेट है 25 यूरो भाई, 25 यूरो का एक किलो, 25 यूरो एक किलो मतलब 2200 रुपये का एक किलो, कम ऑन 2300 रुपये का एक किलो. This is so expensive. It is. It is, yeah. It is in India as well, it's like 2,300 Indian rupees. Is it a lot? It's a lot. You can buy a whole shop in this. और यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ भी मार्केट बनी हुई है. यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे देखोगे तो ये भी एक पूरा मार्केट बनी हुई है. अभी जाते हैं फर्स्ट फ्लोर भी देखते हैं कैसी मार्केट है. ये देख लो भाई, केले यहाँ पे हैं 10 यूरो के एक किलो. केले भाई 10 यूरो एक किलो, ये हो गए हमारे 800 रुपये के, 800 रुपये के एक किलो. बनानास, अरे ये पता नहीं किस टाइप की चीज़ है, अनानास बनाना भाई. इस टाइप का फ्रूट भी पहली बार देखा है, अनानास बनाना. सी दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट, इज़ लाइक अनानास बनाना, इट मीन पाइन एप्पल बनाना. नेवर सीन सच अ थिंग. और इसका रेट भी देख लो तो इसका भी रेट भाई 25 यूरो के आसपास है, 24.80 यूरो एक किलो. फिर से ये 2200-2300 रुपये के आसपास होगा भाई. बहुत महंगी चीज़ है, बहुत महंगी. आई डोंट नो व्हाई दीज थिंग्स आर सो एक्सपेंसिव है. और ये भी देख लो, एक लिफ्ट लगी हुई है सब्जी मंडी के अंदर, एक लिफ्ट लगी हुई है. यू वांट टू गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर? या, लेट्स गो चेक इट आउट. काफ़ी टाइप की चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेदर गुड्स, फ्लावर्स, ग्रोसरी स्टोर, विनियोज, वाइन. तो एक टाइप की लोकल मार्केट है, लेकिन ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी हुई है, पुराने स्टाइल को मेंटेन किया गया है यहाँ पे. और ज़रूरत की हर सामान अवेलेबल है, लेकिन रेट बहुत महंगे हैं आई थिंक, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी यहाँ पे आते रहते हैं. तो ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो चीज़ों के रेट अक्सर वहाँ पर बहुत महंगे हो जाते हैं. यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप के बैग्स वगैरह अवेलेबल हैं, लेकिन मार्केट देखो कितनी खूबसूरत है यार. बहुत बंदों ने यूरोप दिखाया हुआ है, लेकिन इस टाइप की लोकल मार्केट, सब्जी मंडी, लोकल फ्रूट मंडी, वो भी बनी हुई इतनी खूबसूरत और इतनी महंगी, ये किसने नहीं दिखाई होगी. बाकी अभी फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर तो बहुत बढ़िया लगा, देखते हैं फर्स्ट फ्लोर कैसा है. इस साइड पे कुछ रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ओपन डाइनिंग रेस्टोरेंट. और यहाँ पे काफ़ी टाइप के भांति भांति टाइप के मसाले रखे हुए हैं. जैसे देखो ये होगी क्लोव, जिसको हम बोलते हैं लौंग, इसका रेट देख लो भाई 2.5 यूरो के आसपास है. ऐसे ही हमारे पास ये काली मिर्च होगी, इलायची होगी जिसको हम बोलते हैं कार्डमम, इसका रेट देख लो 5 यूरो के आसपास है. कुरकुमा, दिस इज़ आई थिंक टर्मरिक, वी कॉल इन इंडिया इट्स टर्मरिक. सो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मसाले रखे हुए हैं यहाँ पे. और यहाँ पे जो फ्रेगनेंस आ रही है, द फ्रेगनेंस, इट स्मेल्स सो गुड, इट फील्स लाइक नॉस्टैल्जिक, आई फील लाइक आई एम बैक इन इंडिया. हेयर एज वेल, देयर लाइक सम मोर टाइप ऑफ स्पाइसेस. यूरोपियन लोगों को इंडिया की चीज़ एक ज़्यादा से सबसे ज़्यादा पसंद आती है, वो आती है हमारे मसाले, हमारे मसालों के फ़ैन है. बट रेट काफ़ी ज़्यादा है यार, इतनी महंगी महंगी चीज़ें. सैफरन देखा मैंने, सैफरन यहाँ पे 1 ग्राम सैफरन 800 रुपये का था, 10 यूरो का 1 ग्राम सैफरन. कुछ और यहाँ पे सोविनियर की शॉप बनी हुई है. बाकी यहाँ पे कुछ और टाइप की सब्जियाँ, रेट देख लो भाई, टमाटर का 3 यूरो, आलू 1 यूरो, चीज़ें बहुत महंगी हैं. गाजर भी 120 रुपये किलो, लहसुन भाई 4 यूरो के 1 किलो. फ्रूट भी उस से बहुत महंगे होते हैं, एप्पल, ऑरेंज, इन सब चीज़ों के रेट बहुत ही ज़्यादा ऊँचे हैं. बाकी काफ़ी लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने फिरने भी आते हैं. अब यहाँ पे देखोगे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे काफ़ी लोग सिर्फ यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं. और कोई कोई लोकल है जो यहाँ पे आके सिर्फ चीज़ें खरीदने आते हैं, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव है इस हिसाब से. काफ़ी सारी ड्राई फ्रूट्स की भी वैरायटी है यहाँ पे, ये देखो. बात ही बात ही के ड्राई फ्रूट. रेट बहुत महंगे हैं, ऐसे रेट देखो किसी चीज़ का. ये कोई चीज़ है, इसका रेट है 40 यूरो एक किलो, ये 50 यूरो एक किलो. ये यहाँ पे लोकल फार्मर की ड्रेस होती है, ज़्यादातर जो आपको फार्मर्स दिखेंगे
दुकान वाले देखेंगे वो इस टाइप की ड्रेस डाले हुए देखेंगे। अभी यहाँ पे मैंने ऊपर काफ़ी सारे लोग देखे जो इस टाइप की चीज़ें इस टाइप की ड्रेस डाल के घूम रहे थे। और यहाँ पे अभी एक फ़िश मार्केट है लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम पे खाली है। आई थिंक सुबह के टाइम पे ज़्यादा यहाँ पे फ़िशिंग जो फिश हैं वो बेचते हैं। अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 6:30 बजे हुए हैं और 7 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है, तो उसकी वजह से अभी यहाँ पे खाली पड़ा है। क्योंकि उन्होंने सारा साफ़ सुथरा कर रखा है, बिल्कुल क्लीन हो रखा है, लेकिन जितने मैंने फ़ोटोज़ में देखा तो यहाँ पे ये फ़िश भी बेचते हैं काफ़ी टाइप की फ़िश और जो सी फूड होता है उस टाइप का ही बेचते हैं। तो ये तो देख नहीं पाया, फिर कभी आके देख लूँगा। एक नया दिन और फिर से आया हूँ फ़िश मार्केट देखने मडेरा की, लेकिन आज फिर लेट हो गए थोड़ा। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो अभी भी मछलियाँ यहाँ पे बेच रहे हैं और काट रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, कुछ वहाँ पे लोग हैं और बाकी लोग यहाँ पे सफाई करने में लगे हुए हैं। तो ये है ट्रेडिशनल फ़िश मार्केट ऑफ मडेरा पुर्तगाल। लेकिन बाकी मार्केट बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे, आई होप आपको भी ये मार्केट अच्छी लगी होगी। और आज का ये एक्सपीरियंस जो हमने ये लोकल फूड मार्केट और सब्जी मंडी और ये सब कुछ देखा, आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूर है कि लगा कैसा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।